नमिता कुमार पब्लिक स्कूल सोहाई में 16 दिसंबर शनिवार को रैजल डैजल 2023 मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चरणों में मुख्य अतिथि डॉ ओपी राय, पूर्व विभागाध्यक्ष कॉमर्स बीएचयू एवं प्रबंधन के कार्यक्रम द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ किया गया। तत्पश्चात अनुज, अंश, सागर, जान्या, अर्पिता एवं उनके साथियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और गौरिका, प्राची, भौमिक, नैंशी, आरुषि, अंशिका, वंशिका एवं श्री उनके साथियों ने प्रकृति वंदना प्रस्तुत किया। कविश, अनन्या, पूर्वी, अदिति, अनुराग, राज, अंशु, आशीष, पार्थ, स्वास्थ्य एवं उनके साथियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला ने दर्शकों को मोहित किया। वहीं विद्यालय के 4 सदनों द्वारा एससी बोस की ओर से वीणा सिंह की अध्यक्षता में रोज फूड कार्नर लगाया गया। सुश्री दीक्षा सिंह की अध्यक्षता में शिवाजी सदन ने पिकॉक फूड कार्नर, सुरभि सिंह के निर्देशानुसार लक्ष्मीबाई सदन की ओर से टाइगर फूड कॉर्नर एवं एस अंजनी की अध्यक्षता में सरोजिनी नायडू सदन की ओर से डायनासोर फूड कॉर्नर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ सभी को खूब अच्छे लगे। वहीं कक्षा 8 से 10 तक के छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए गेम कॉर्नर ने सभी दर्शकों को खूब मनोरंजित किया। विद्यालय प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक ए के वर्मा की उपस्थिति एवं उनके दिशा निर्देशानुसार एक से बढ़कर एक रोचक कार्यक्रमों की प्रस्तुति रही। कार्यक्रम में बच्चों के बीच ड्रेस डिजाइनिंग एवं फैशन शो जिसका थीम वेस्ट टू द बेस्ट का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वेस्ट मटेरियल के उपयोग से आकर्षक वस्त्रों के सृजनात्मक को दिखाना है, जिसमें निर्णायक की सक्रिय भागीदारी पूजा कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन बीएल कुशवाहा के निर्देशन में रचित गहना आर्यन, अनुराग, जरीन और जतिन ने किया। यहाँ का जो हमने देखा अनेक प्रकार के कार्यक्रम, प्रतियोगी कार्यक्रम बच्चों ने रखा है, कूपन सिस्टम के माध्यम से ये खेल किए जाएंगे, बहुत ही रोचक हैं और बच्चों की इसमें प्रतिभा समझ में आती है कि उन्होंने किस प्रकार के विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों में जो बच्चे भाग लेंगे वे आनंदित होंगे और इसके माध्यम से शिक्षा भी पाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ घूम रहा था तो कुछ बच्चों से मैंने कहा कि भाई जो करना है वो करके आप दिखाओ, तो नहीं भी कर पाए तो उनको मैंने कहा कि भाई एक शिक्षा आपको मिलती है कि कोई भी काम आप करोगे तो पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन प्रयास करते रहोगे तो सफलता भी मिल जाएगी। फेल होना भी पास होने की एक प्रक्रिया है, तो ये सब चीज़ें इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। हमको उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा और आगे आने वाले वर्षों में और भी अच्छे अच्छे रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ इन कार्यक्रमों के लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा बच्चों का, और साथ में ये कुछ खाद्य पदार्थ अपने हिसाब से ये पका कर तैयार किए, जिससे इनको ये मालूम हुआ कि व्यवसाय कैसे किया जाता है। जो भी ये भोजन तैयार किए या नाश्ता तैयार किए उसे सेल किए, सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है इनको ये पता लगता है कि रॉ मटेरियल हमारा कितने का आता है, हम कितने में इसे सेल कराएंगे कि हमको कितना प्रॉफिट होगा, तो आगे चल के बिजनेस की एक स्किल इनको मिलेगी। साथ में पुस्तक मेला लगा है और गेमिंग जोन में बच्चों ने ये करके दिखाया कि हम इससे क्या अर्न कर सकते हैं और कैसे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेम की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेकर अपने टैलेंट को दिखाएं।